हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे युगल जोड़ी का नवरात्र स्पेशल श्रृंगार। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक रिक्वेस्ट और आई थी कि कृषु का और लड्डू गोपाल जी का नवरात्र में जो मैंने श्रृंगार किया है वो आप सभी के साथ शेयर करूँ, तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। यहाँ पर आज आप देखेंगे युगल जोड़ी का बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार जो कि मैंने नवरात्र पर किया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने इनके स्नान करा दिया है और पहना दी है बहुत ही सुंदर सी पोशाक। और आप देख रहे हैं कि राधा रानी का जो लहंगा है कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो यहाँ पर हम इनका बहुत प्यारा सा श्रृंगार करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट पोस्ट में कहा था कि मैं शाउट आउट वीडियो आपके चैनल नेम के साथ शेयर करूंगी, तो कुछ कमेंट्स जो हैं वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और उसी के बेसिस पर जो वीडियो बनेगी शाउट आउट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इतने प्यारे प्यारे सजेशंस के लिए। तो वन बाय वन जितने भी जो कमेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उनका शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो से चालू हो जाएगा। और देखिए राधा रानी यहाँ पर कितनी प्यारी लग रही हैं। बहुत ही सुंदर सा जो इनका लहंगा है वो लग रहा है और इनके जो ज्वेलरी है वो मैंने पहना दी है। यहाँ पर मैं इनके लगा रही हूँ इयररिंग्स, तो ये भी देख सकते हैं आप। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी राधा रानी। और इसके बाद हम करेंगे हमारे कान्हा जी का श्रृंगार। तो पहले दादा जी का श्रृंगार कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जो केश है उसमें ही इनके ये सेट कर दिया है। और बस हम अभी यहाँ पर ये जो इनकी चोटी है वो भी लगा दी है। ये जो फूलों की वेणी है वो भी मैंने इनके लगा दी है। और बस अब हम जल्दी से जो इनका दुपट्टा है वो भी सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारे राधा रानी का जो श्रृंगार है वो पूरा हो जाएगा और फिर हम करेंगे अपने कान्हा जी का श्रृंगार। तो देखिए यहाँ पर ये जो दुपट्टा है इनका ये मैंने सेट कर दिया है। और पास से ही कृषु जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, सभी का श्रृंगार देख रहे हैं। तो कृषु का श्रृंगार जैसा हुआ है फ्रेंड्स वो शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने बताया भी। और लड्डू और गोपाल जी का नवरात्र स्पेशल श्रृंगार भी आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। तो बस अब ये जो चुनरी है वो हम इनके उड़ा देंगे और उसके बाद हमारी राधा रानी का श्रृंगार हो जाएगा पूर्ण। और कैसा लग रहा है ये श्रृंगार फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट थी कि दी युगल जोड़ी के दर्शन ज़रूर कराएं, उनका श्रृंगार करके हम सभी के साथ शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में वही आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर लगभग श्रृंगार जो है वो हो चुका है। बस अब हम ये जो नोज़ रिंग है वो भी इनके पहना देंगे ताकि श्रृंगार जो है वो पूर्ण हो जाए और हमारे राधा रानी का कंप्लीट लुक आप सभी देख पाएँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा श्रृंगार लग रहा है इनका। बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमारी प्यारी सी राधा रानी और कितनी प्यारी सी स्माइल दे रही हैं आप सभी देख सकते हैं। और बस यहाँ पर अब हम हमारे कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इनके मैं ये ज्वेलरी पहना रही हूँ और बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार इनका भी होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप सभी ने कैसे श्रृंगार किया अपने लड्डू गोपाल जी का, कैसे आप सभी नवरात्र एंजॉय कर रहे हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। पॉसिबल हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप के लड्डू गोपाल जी की युगल जोड़ी की पिक्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लड्डू गोपाल कृपा के नाम से, तो आप वहां पर मुझसे अपने युगल जोड़ी की अपने लड्डू गोपाल जी की ढेर सारी पिक्स ज़रूर शेयर करना। तो बस यहां पर देखिए ऑलमोस्ट जो हमारे कान्हा जी का श्रृंगार है वो हो रहा है पूरा। और बस अब ये जो इनके पग है
देखिए ये पगड़ी है, इस पे हम मोरपंख जो है वो लगा देंगे, और मोरपंख कालंगी लगा दी है मैंने। यहाँ पर कुछ फेदर है तो वो फेदर भी मैं लगा दूंगी ताकि बहुत ही प्यारा सा लुक आए। और अब हम इनके पकड़ा देते हैं ये प्यारी सी इनकी बांसुरी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी का, राधा रानी का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार जो है वो पूर्ण हो चुका है, और मैंने जो फेदर है इनकी पगड़ी पर वो भी लगा दिया है। तो कंप्लीट लुक इनका मैं आप सभी से शेयर कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये प्यारी सी जो इनकी गौ माता है वो भी हम इनके समीप रख देंगे, तो बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। और हमारे राधा रानी, हमारे कान्हा जी कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं, आप सभी फ्रेंड्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था उनका कंप्लीट श्रृंगार का लुक। कैसा लगा फ्रेंड्स इनका श्रृंगार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे पता है आप सभी वेट कर रहे हैं कृषु के श्रृंगार के वीडियो का, तो वो भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मंदिर में जो राधा कृष्ण जी हैं वो विराजित करती हैं, उनके दर्शन आप सभी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के दर्शन मैं अभी नहीं करा रही हूँ, क्योंकि जो नवरात्र का जो मैंने श्रृंगार किया है, नवरात्र स्पेशल श्रृंगार, वो मैं आप सभी को नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाली हूँ। तो जब तक के लिए आप सभी वेट कीजिए, कृषु का श्रृंगार कैसा होगा, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा होगा, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि ये प्यारा सा श्रृंगार आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने बताया भी कि काफ़ी दिनों से ये रिक्वेस्ट थी कि दी आप युगल जोड़ी का श्रृंगार करके हम सभी के साथ शेयर करें। काफ़ी दिनों से हमने युगल जोड़ी के दर्शन नहीं किए हैं, तो वही रिक्वेस्टेड आज मैंने पोस्ट की है। और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार लगा मुझे, कान्हा जी और राधा रानी बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी को कैसा लगा ये श्रृंगार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी सदस्य हमारे लड्डू गोपाल कृपा फैमिली से कनेक्ट हो सकें। और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो फ्रेंड्स यही था आज के इस वीडियो में, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।